तिलारी सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी MOIC डॉक्टर प्रेम सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। शिकायती पत्र से डॉक्टरों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार लगा दी है। असल में ये शिकायती पत्र ACMO डॉक्टर संजीव बेलवाल नोडल अधिकारी के विरुद्ध है। शिकायतकर्ता MOIC डॉक्टर प्रेम सिंह ने शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया है कि पिछले सप्ताह डिलारी CHC पर अचानक ACMO डॉक्टर संजीव बेलवाल CHC के ही संविदा कर्मचारी ANM को अपने साथ लेकर उनके ऑफिस में आए और डॉक्टर आशीष के आवास की चाबी मांगी। डरा धमकाकर और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जबरदस्ती आवास की चाबी लेकर यह कहते हुए आवास में घुस गए कि मैं 10 मिनट तक अपनी बेबी डॉल से अकेले में बातचीत करूंगा, तब तक आप आवास के बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करें वरना मेडिकल रिलीफ पर भेज दूंगा। शिकायती पत्र में बताया गया कि इस बीच आवास के भीतर जबरदस्ती घुसकर डॉक्टर संजीव बेलवाल ACMO ने सामान को तितर बितर कर दिया और खूब तलाशी ली। कुछ देर के बाद जब ACMO बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा कि ANM मेरी बेबी डॉल है, इसको आप ड्यूटी पर रहने की कभी भी सख्ती नहीं करेंगे, इसका जब मन करेगा अस्पताल आएंगी और जब मन करेगा चली जाएंगी, आप कोई रोक टोक नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त भी शिकायती पत्र में डॉक्टर संजीव बेलवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो अशोभनीय है। शिकायतकर्ता MOIC का कहना है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप सभी सत्य हैं, बल्कि लगातार मुझ पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायती पत्र के आधार पर ANM के साथ नजदीकियों को लेकर नोडल अधिकारी डिप्टी CMO डॉक्टर संजीव कुमार बेलवाल घिरते नजर आ रहे हैं। वहीं आरोपों में घिरे डॉक्टर संजीव बेलवाल ने मीडिया को बताया कि मुझे लगातार डिलारी CHC की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए मैं औचक निरीक्षण के लिए गया था। मौके पर मैंने पाया कि MOIC के डॉक्टर प्रेम सिंह और डॉक्टर आशीष दोनों शराब के नशे में धुत थे। ये बात सच है कि ANM के साथ मैंने तन्हाई में 10 मिनट तक गोपनीय बात की थी, लेकिन उसका कारण उसकी ड्यूटी पर शिकायत को लेकर था। ANM के साथ मेरी कोई नजदीकियां नहीं है, सिर्फ एक नोडल अधिकारी होने के नाते मैं उसकी जांच करने गया था। जो डॉक्टर प्रेम सिंह ने शिकायत की है आपकी CMO साहब से, इस तरीके से अनाधिकृत रूप से रूम खुलवाया और एक ANM जिसका नाम वंदना है उसके साथ में रूम में चले गए और उन्हें ये सब आपत्ति प्रतीत हुआ, इस विषय में आप पहले कहें। मैं 16 तारीख को CHC पर रूटीन चेक के लिए गया था। जब मैं वहाँ पर चैम्बर में पहुँचा तो वहाँ पर डॉक्टर साहब मिले थे, फिर वही फोर्थ क्लास के डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर प्रेम साहब आपको बुलाया, तो वहाँ पे जब वो आया तो मुझे उनको एक अल्कोहलिक स्मेल आई, मैंने उनको बताया। उसी बीच में एक संविदा कर्मी अपनी समस्या को लेकर आता है मेरे सामने उपस्थित किया। क्या नाम है उसका संविदा कर्मी का? वंदना। तो उसकी समस्या क्या थी? उसकी समस्या ये थी कि साहब मुझे अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे, तो मैंने उनको समझाया कि साहब अपने स्टाफ का समन्वय उठा के कार्य करते। तभी डॉक्टर आशीष भी आए तो मैंने कहा चलो, जब भी मुझे दारू पीकर की स्मेल आई तो मैंने चलो आपके साथ बैठ के बात करते, तो मैं उनके साथ आपके घर पे बैठने के लिए गया। बैठ के मैंने उनको ऐसे छोटे ब्रदर की तरह समझाया, फिर मैं 10 मिनट में वापस आया। कोई डॉक्टर प्रेम सिंह द्वारा जो कहा गया कि डॉक्टर आशीष वाले पीछे उनका रूम खुलवाया गया, इसमें कितनी सत्यता है? तो ये शिकायत डॉक्टर से प्रेम सिंह ने CMO को की है, CMO ने इस संदर्भ में आपसे कोई बात की है अभी तक? अभी तक मुझे ठीक।